हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जनरल साइंस के एमसीक्यूज का विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ, उसका लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑलराइट, 9 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ अराउंड 45 क्वेश्चंस देख चुके हैं जनरल साइंस के। आफ्टर दिस योर 50 क्वेश्चंस की जो हमारी हाफ सेंचुरी है वो पूरी हो जाएगी। ओके, एंड मैंने आपको बताया कि पास्ट ईयर पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी CDS 2021 डिस्कस कर चुके हैं, CISF 2021 डिस्कस कर चुके हैं, NDA 2021 के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें 5 और क्वेश्चंस देखेंगे। PDF फाइल्स सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जा करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन PDF फाइल के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को मेरे साथ करें। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अटेम्प्ट करें उसको और उसके बाद उसका सलूशन देखें, उसको समझने की कोशिश करें। हम ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन में हमें कितना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है या किस क्वेश्चन को हम लर्न कर करके जो है, या थोड़ा सा रटना जो हम जिसको बोलते हैं वो करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट आदमी नहीं बनना है अपने को। 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार पेपर में, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के। ओके, चलिए तो NDA 2021 को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, लाइट के प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्कूल में भी हम ये पढ़ते थे प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट के बारे में, है ना। तो ऑप्शन ए कह रहा है येलो रेड एंड ग्रीन, ऑप्शन बी कह रहा है ब्लू रेड एंड ग्रीन, ऑप्शन सी कह रहा है वॉयलेट रेड एंड येलो, ऑप्शन डी कह रहा है इंडिगो वॉयलेट एंड ग्रीन। इनको प्राइमरी कलर्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी मिक्सिंग से बेसिकली आप मल्टीपल कलर फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्लू रेड और ग्रीन जो है ये 3 कलर आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। ब्लू रेड और ग्रीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम कंसेप्ट के ऊपर, सेम एरिया के ऊपर UPSC ने एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा कि इनमें से कौन सा कलर फॉर्म होगा ग्रीन और रेड की फॉर्मेशन पे। मैंने आपको बताया कि ब्लू ग्रीन और रेड ये क्या है, प्राइमरी कलर है। अगर आप प्राइमरी कलर्स में ऐसा होता है कि अगर आप ब्लू और ग्रीन को मिक्स कर रहे हो, या ग्रीन और रेड को मिक्स कर रहे हो, या रेड और ब्लू को मिक्स कर रहे हो, तो डिफरेंट कलर्स की जो है फॉर्मेशन होगी। तो आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा गया कि ग्रीन और रेड से क्या बनेगा। अगर आप जिस स्कूल में जाते थे उसमें अगर आर्ट्स का पीरियड होता था, ड्रॉइंग का पीरियड होता था, तो उसमें भी हम लोग ये करते थे ना, हमारे जो कलर्स होते थे, जो हमारे वाटर कलर्स होते थे या फिर जो हमारे पेंट्स होते थे, उनको मिक्स करके डिफरेंट कलर्स की फॉर्मेशन करते थे। सेम चीज़ है यहाँ पर भी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी येलो। अगर आप ग्रीन और रेड को मिक्स करते हो तो येलो कलर जो है वो आपका फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट कौन से होते हैं, ग्रीन ब्लू और रेड। ठीक है, ग्रीन ब्लू और रेड जो है आपके प्राइमरी कलर्स हो गए। अब ये जो प्राइमरी कलर्स हैं, इनको अगर आप 2 कलर्स को मिक्स करते हो तो डिफरेंट कलर्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रीन और ब्लू को फॉर्म मिक्स किया तो सियान कलर फॉर्म होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने ग्रीन और रेड को मिक्स किया तो येलो कलर फॉर्म होगा। अब आपके ऑप्शन में क्या था, आपके ऑप्शन में था ग्रीन और रेड। ठीक है, इसीलिए येलो आंसर इसका आया। आपने रेड और ब्लू को मिक्स किया तो मैजेंटा कलर फॉर्म होगा। अगर आप इन सारे कलर्स को मिक्स कर देते हो, अगर आप इन 7 के 7 कलर्स को मिक्स कर देते हो, ठीक है, ग्रीन को भी मिक्स कर दिया, ब्लू को भी मिक्स कर दिया, रेड को भी मिक्स कर दिया, सियान को भी मिक्स कर दिया, येलो को भी मिक्स कर दिया, ठीक है, और आपके मेजेंटा को भी मिक्स कर दिया, 6 कलर्स को मिक्स कर दिया, तो एक 7वां कलर बनेगा, दैट विल बी योर वाइट कलर। ठीक है, तो ये भी फॉर्म की पूछा जा सकता है। तो प्राइमरी कलर्स की मदद से जो कलर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट। और जब आप इन 6 के 6 को मिक्स कर दोगे तो वाइट कलर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने याद रखना है। ठीक है, प्रिज्म में भी हम देखते हैं कि वाइट कलर की लाइट जो है वो जा रही है, एक प्रिज्म से निकल रही है, तो देन 7 कलर्स ऑफ लाइट्स आर फॉर्म। तो वो कंसेप्ट यहीं से निकल कर आता है अपना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मूला 1/F = 1/V + 1/U।
वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स. ओके, सो ऑप्शन ए कहता है इट अप्लाइज ओनली टू स्पेरिकल मिरर्स. ऑप्शन बी कहता है इट अप्लाइज ओनली टू स्पेरिकल लेंसेज. ऑप्शन सी कहता है इट अप्लाइज टू स्पेरिकल मिरर्स एज वेल एज स्पेरिकल लेंसेज. ऑप्शन डी कहता है इट इज़ एन इनवैलिड फार्मूला. देखो ये मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत डेप्थ में जिन्होंने साइंस पढ़ी है स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है, लेकिन नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है इस तरह का सवाल. ठीक है, तो पहले तो आंसर क्या होगा इस केस में, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए. ये जो फॉर्मूला है, ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ये किसके ऊपर अप्लाई करती है, ओनली टू द स्पेरिकल मिरर्स. ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन अ स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो स्पेरिकल मिरर है, अब इससे जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यू डिस्टेंस. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो मिरर का पोल है उससे जितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्मेशन होगी उसको क्या बोला जाता है, वी. और डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस, जो फोकस है उसको क्या बोला जाता है, एफ. ठीक है, वहां पर उन्होंने सिंपली लिख दिया यूजुअल मीनिंग. तो जिसने साइंस पढ़ी हुई है उसको ही पता होगा कि वी, यू और एफ क्या होता है. ओके, नाउ रिलेशनशिप होता है इन थ्री क्वांटिटीज के बीच में, जो इस फॉर्मूला से एक्सप्रेस किया जाता है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ. ओके, एंड ये जो फॉर्मूला है ये हर सिचुएशन में वैलिड है स्पेरिकल मिरर्स के लिए. ठीक है, बाकी स्पेरिकल लेंस या जो बाकी ऑप्शंस में गिवन थे वो यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होंगे. अब इन क्वेश्चंस में आप बहुत ज्यादा अगर डेप्थ में घुसने की कोशिश करोगे, अगर स्पेशली आप ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर बहुत बड़ा है. अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मूले के कंसेप्ट को उठा करके चलूँ या मैं लाइट का पूरा टॉपिक कवर करूँ, तो उसके लिए अपने को कम से कम 2 से 3 घंटे का जो है टॉपिक चाहिए. ठीक है, तो इतना अगर आप ध्यान में रख लोगे तो ईजिली आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इमेज वी सी इन अ प्लेन मिरर. देखो ये जो लाइट वाला जो चैप्टर है ना, लाइट वाला चैप्टर है जिसमें मिरर्स वगैरह का कंसेप्ट आ जाता है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरली क्वेश्चन सेम से होते हैं. प्लेन मिरर पे से अगर आप देखोगे पास्ट ईयर के पेपर भी, ज्यादातर जो क्वेश्चन प्लेन मिरर वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पर ही होते हैं. अब ये भी अगर आप देखो, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पता है तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो. तो जो इमेज आप प्लेन मिरर में देखते हो, जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है और उसको आप फोटोग्राफ कर सकते हो. बी कह रहा है कि वर्चुअल होती है एंड नियरर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से पास में बनती है इमेज, मतलब इक्वल डिस्टेंस नहीं होता ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में. वर्चुअल एंड इज लिटरली इन्वर्टेड. ऑप्शन डी कह रहा है रियल बट कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड. इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर का, यानी कि एक सही है 3 गलत है. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसे वर्चुअली एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, वर्चुअल इमेज, लिटरली इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट होती है, साइज ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सेम होता है. अगर आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाओगे तो प्लेन मिरर में भी आपका उतना ही साइज दिखेगा जितना आपका एक्चुअल में साइज है, बड़ा छोटा साइज नहीं होगा. ठीक है, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, अब अगर हम दोबारा क्वेश्चन के ऊपर जाएं, पहला स्टेटमेंट कह रहा था रियल एंड दस कैन बी फोटोग्राफ, तो रियल तो है ही नहीं, वर्चुअल है. ठीक है, वर्चुअल एंड नियरर देन द ऑब्जेक्ट, नियरर वाला तो केस ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है. ओके, रियल बट कैन नॉट बी फोटोग्राफ, वंस अगेन रियल नहीं है, वर्चुअल होएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइहाइड्रोजन दैट इज योर H2 इज नॉट करेक्ट. अब डाइहाइड्रोजन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है एक NCERT के अंदर. ठीक है, तो H2 से रिलेटेड आपसे स्टेटमेंट पूछा गया. पहला कहता है कि H2 इज लाइटर और नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन जो है वो H2 की प्रॉपर्टी नहीं है. पहला कह रहा है कि H2 इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर. दूसरा क्या कह रहा है, H2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सी कह रहा है H2 रिएक्ट्स विद अल्कलाई मेटल्स एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर अल्कलाई मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा टू यील्ड मेटल हाइड्राइड्स. एंड ऑप्शन डी कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज साइन गैस. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, अगर साइन गैस के बारे में भी पता है और डाइहाइड्रोजन के बारे में ओवरऑल नहीं पता, तब भी इसका इजिली आंसर कर सकते हो. साइन गैस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में भी हमें पता होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर भी. तो आंसर इसमें क्या है, डी, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी की 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो द आंसर विल बी डी. एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, कलरलेस होता है,
ऑडोरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, कंबस्टिबल गैस, फायर कैच कर सकता है, एयर से हल्का होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो अपना पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, H2 इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखो आने वाले एग्जाम्स में, अभी उसने लिख दिया कि लाइटर देन एयर है और इनसॉल्युबल है, क्या अब तक वो आपके पेपर में स्टेटमेंट दे दे कि डाईहाइड्रो, बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, कि डाईहाइड्रोजन कलरलेस होता है या डाईहाइड्रोजन ऑडोरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पैटर्न समझने की जरूरत है कि हाँ पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये पूछ लेगा। अब जैसे आपसे अभी हमने पीछे कलर्स वाला जो क्वेश्चन देखा उसमें आपसे पूछ लिया कि भाई रेड एंड ग्रीन से क्या बनेगा, सिमिलरली वो आपसे पूछ सकता था कि ग्रीन एंड ब्लू से क्या बनेगा, रेड एंड ब्लू से क्या बनेगा। ठीक है, अगर छः के छः कलर्स को मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो मल्टीपल क्वेश्चन बन गए ना सेम कंसेप्ट के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डाईहाइड्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पर इनर्ट रहेगा ड्यू टू HH बॉन्ड डिसोसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ साइन गैस की अगर बात करें तो CO और H2 से बनती है साइन गैस, जिसको आप वाटर गैस भी कहते हो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 से, आपके ऑप्शन में क्या गिवन था, नाइट्रोजन गिवन था। ठीक है ना, सो एज दिस मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल एंड अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन, इट इज कॉल्ड सिंथेसिस गैस और साइन गैस। Nowadays, cyan gas is produced from sewage, sawdust, scrap wood, newspaper, etc. The process of producing cyan gas from coal is called coal gasification. ये सारे के सारे सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर, cyan gas के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताओ cyan gas is formed by the mixture of which two of the gases? नीचे चार gases के नाम दे देंगे, ठीक है, H2CO, H2NO2, CO, NO2, इस तरह से ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि वाटर गैस कौन सी गैस होती है, ओके, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि साइन गैस किस किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है, उसमें ऑप्शन दे देंगे भाई सीवेज से, सॉडस्ट से, स्क्रैप वुड से, न्यूज़पेपर्स से। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि अगर साइन गैस कोल से प्रोड्यूस की जा रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म हो सकते हैं। तो इसीलिए पांच क्वेश्चंस आपके इसीलिए उठाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। अगर आप पांच क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूं वो अच्छे से समझते हो तो हर पांच क्वेश्चंस के साथ एटलीस्ट एक एडिशनल क्वेश्चन जो है वो कवर्ड होता है। तो ऑन एन एवरेज हम 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करते ही करते हैं, उस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखकर अगर आप ये चल रहे हो चलिए क्वेश्चन का ये आंसर है और उसको खत्म कर रहे हो, कई क्वेश्चन के साथ हमें वो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चंस के साथ वो कर रहे हो तो फिर आप गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको इतनी डिटेल में इसीलिए दी जा रही है। ऑलराइट, चलिए तो अब हमारे ये पांच क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो चुके हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 के ऊपर, या फिर आप मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। अच्छा, एक चीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, मैं आपको नंबर देता हूँ तो आप व्हाट्सएप किया करो। कई बच्चे क्या होता है रात को 10 बजे कॉल कर देते हैं, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उनको मना कर दो या कॉल ना उठाओ तो फिर वो ऐसा लगता है कि सर रूड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, आप व्हाट्सएप करें। मैं खुद बोल देता हूँ बच्चों को कि हाँ मेरे को इस टाइम पर कॉल कर लो एक बार, लेकिन व्हाट्सएप करें, ओके। एंड बाकी की वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, वो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर MCQ कोर्सेज जो हैं पेड वाले वो लेना चाहते हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के लिए वो नॉन वीडियो है, ओके। चलिए तो यहाँ पर लेक्चर को खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।